आए दिन जारी गर्मी की लहर और तरकारियों की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बेशतर सब्जी की कीमतों में खदे उछाल आया है। आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में ज़्यादा उछाल नहीं देखा जा रहा, जबकि दूसरी सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। छोटे ताजरीन का कहना है कि दर्ज हरारत में लगातार इजाफे की वजह से तरकारी की पैदावार में कमी आई है और आने वाले दिनों में भी तरकारी की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। मैं यहाँ मंडी में ऑटो चलाता हूँ, होटलों को सप्लाई करता हूँ मैं तरकारी, तो अभी फिलहाल यहाँ पर मार्केट के इतने रेटा चढ़े हुए हैं, हर तरकारी पर पूरे रेटा चढ़े हुए, ख़ास तौर पर टमाटा और कैरेट, बीटरूट, खीरा, ये तो आइटम तो फुल रेट आ चढ़े हुए। इसका 50 रुपये अभी प्रजनन में रेट है, इसका 50, अभी 70 भी हो सकता, 60 भी हो सकता, 80 भी हो सकता। बीनीस की फली तो 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये का रेट है अभी तो बीनीस की फली का। और ये धुपकाले में क्या है, रेटा चढ़ते रहते, धुपकाला ख़त्म हुए के बाद हल्लू 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 डाउन होते रहता इसका रेट। ये मिनिमम रेट है, ये अभी ये धुपकाला ख़त्म हुए के बाद मिनिमम रेट में आ जाता, 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, ऐसा हो जाता है। आज का रेट टमाटे का क्या है सर? अभी 8 का रेट है, 50 रुपया रेट है टमाटे का। आगे क्या रहेंगे? अभी 70 भी जा सकता, 80 भी जा सकता। अभी प्रेजेंट में जो 25 किलो का पेटी आता है वो जो 850 में पेटी है, 700 रुपये में पेटी है। इसकी फली का रेट चढ़ेगा कम होगा? नहीं, सेम अभी चढ़ते जाएंगे रेट, अभी अभी कम नहीं होगा कुछ भी। ये धुपकाला गए तक सेम रेट रहेगा।